नमस्कार, मैं लखन सालवी और आप देख रहे हैं डेली राजस्थान। भाजपा द्वारा निकाली जा रही परिवर्तन संकल्प यात्रा मेवाड़ में घूम रही है। वैसे यात्रा चार भागों में चल रही है। हर बार जो ये यात्रा जो विधानसभा चुनावों से पहले निकाली जाती है, एक ही यात्रा होती है जो सब जगह पे पहुंचती है। पहले वसुंधरा राजे इस यात्रा का नेतृत्व करती रही है, लेकिन इस बार स्ट्रेटेजिकली इसे चार भागों में डिवाइड किया गया है और चार अलग अलग भागों में ये यात्रा निकल रही है, जिसका नेतृत्व तो अलग अलग लोग कर रहे हैं। अगर हम मेवाड़ और वागड़ में निकाली जा रही यात्रा की बात करें तो इसके संयोजक जो है वो चुनीलाल गरासिया है। वहीं उदयपुर संभाग के प्रभारी है दामोदर अग्रवाल, इनके नेतृत्व में ये यात्रा चल रही है। गोगुंदा से ये यात्रा होकर गुजरी। चुनीलाल गरासिया ने जैसा कि बताया था कि उनको खेरवाड़ा के एक सरपंच ने बताया कि खेरवाड़ा में दयालाल परमार जो कांग्रेस के विधायक है वो इस बार चुनाव हारने वाले हैं। हालांकि अभी तो टिकट कांग्रेस देगी या ना देगी ये एक बड़ा सवाल है, लेकिन अभी से अज्यूम किया जा रहा है कि कांग्रेस अगर वहां पर दयाराम परमार को टिकट देती है तो ऐसे में वहां पर भाजपा जो है जीतेगी और 50,000 वोटों से जीतेगी। ये आकलन किस आधार पर है और क्या ये रिपोर्ट वाकई में इस यात्रा के जो संयोजक और पूरी टीम के नेतृत्व करता है ये सब मिलकर उच्च नेतृत्व को या केंद्रीय समिति को देंगे या ना देंगे, ये एक बड़ा सवाल तो है ही, लेकिन उनकी समझ ऐसी है। बात करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जब यात्रा गोगुंदा में आई, गोगुंदा हाईवे के पास में सेमटाल के समीप जो गुरु पुष्कर धाम है वहाँ पर यात्रा के यात्रियों ने नाइट स्टे किया, रात्रि विश्राम यहाँ किया और सुबह पत्रकार वार्ता की गई। पत्रकार वार्ता को यात्रा के संभाग प्रभारी दामोदर अग्रवाल ने संबोधित किया। क्या कहा उन्होंने, सुनिए आप। चारों यात्राओं के प्रदेश से एक एक प्रभारी नेता है। हमारी यात्रा क्रमांक 2 बेणेश्वर धाम से हमारे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय सीपी जोशी इस पूरी यात्रा के कप्तान हैं। कल भी वो यहाँ थे, कल सवेरे से फिर 3 दिन तक इस यात्रा में रहने वाले हैं और आज और कल के लिए दिल्ली प्रदेश के भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान सांसद और प्रख्यात कलाकार मनोज तिवारी यहाँ पहुँच चुके हैं, आज यात्रा में हमारे साथ होंगे। अभी 12:30 बजे उदयपुर में उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है और आज सायंकाल उदयपुर बैंक तिराहे पर होने वाली जनसभा को वो मुख्य वक्ता के रूप में संबोधित करेंगे। इसी प्रकार से इस यात्रा में आने वाले दिनों में देश और प्रदेश और बड़े बड़े नेता भी यहाँ पर आने वाले हैं। समय के साथ प्रदेश का नियोजन उन नेताओं का यहाँ पर हो रहा है। केंद्र के कई मंत्री हमारे और दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री भी समय समय पर एक एक दिन के प्रवास के लिए यात्रा क्रमांक 2 में जुड़ने वाले हैं। जिस प्रकार से यात्रा की जब लॉन्चिंग हुई बेणेश्वर में तो माननीय अमित शाह जैसे हमारे गृह मंत्री और यशस्वी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष साथ में थे, इस प्रकार से आए दिन प्रदेश की योजना से राष्ट्रीय योजना से हमारे केंद्र सरकार के मंत्री और अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री सहित वरिष्ठ नेता इस यात्रा में शामिल होंगे। यात्रा को वास्तव में इतना समर्थन प्राप्त हो रहा है, हम अभिभूत हैं और ये परिवर्तन यात्रा आम जन की परिवर्तन संकल्प यात्रा में तब्दील हो रही है। निश्चित रूप से इस कुशासन से, इस जंगल राज से, इस भ्रष्ट सरकार से, इस पेपर लीक करने वाली सरकार से आम जन, नौजवान, किसान, महिला बहुत दुखी हैं और परिवर्तन करके राजस्थान में पुनः कमल खिलाने के लिए संकल्पित हैं। विधानसभा चुनावों से पहले यात्राएं होती रही है, वो स्वरूप और इस बार के स्वरूप में क्या अंतर है और ये अंतर क्यों रखा गया है? भारतीय जनता पार्टी समय और परिस्थिति के अनुसार अपनी इलेक्शन पॉलिसी को रिवाइज करती है और ये परिवर्तन केवल राजस्थान में नहीं है। मैं उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी था, वहाँ 7 यात्राएं निकली हैं क्योंकि अब लोगों की अपेक्षाएं बढ़ गई हैं। भारतीय जनता पार्टी 20 करोड़ लोगों की सदस्य वाली विशालतम विश्व की पार्टी बन गई है और आम जन चाहता है कि यात्रा मेरे पास आए, वो अब एक यात्रा से संभव नहीं है।
इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने इसके विस्तार को ध्यान में रखते हुए, आम जन की अपेक्षा को ध्यान में रखते हुए नंबर ऑफ यात्राओं को डिजाइन किया है और वो पूरे देश में हो रहा है, ऐसा नहीं केवल राजस्थान में ऐसा हो रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस को भाजपा के सहकारिता प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष प्रमोद सामर ने भी संबोधित किया। क्या कुछ कहा, सुनिए इस रिपोर्ट में। भीलवाड़ा में दो दिन पहले आपने सम्मेलन किया, किसान सम्मेलन, एक से दस की गिनती में कर्ज माफ करने वाला इन्हीं के पार्टी का नेता है, क्या उसका जवाब उस दिन उनको भीलवाड़ा में नहीं देना था? पौने पाँच साल बाद राज्य की जनता और किसान पूछ रहा है कितने और कहां कैसे कर्जे माफ हुए, उसकी संख्या, उसका आधार पूछ रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को अब एक नए छलावे के रूप में फिर जनता के साथ भ्रमित कर। दूसरा, उन्होंने राज्य केंद्र की सरकार ने जितना कोटा राज्य ने मांगा उससे ज़्यादा यूरिया निरंतर गत वर्ष भी इस वर्ष भी राज्य सरकार को दिया है, इनकी कौन सी ऐसी दलालों की एजेंसी है कि वो यूरिया गांव तक नहीं पहुंच रहा है? और आपने देखा होगा पिछले 15-20 दिनों में से लगातार जनता घास का सड़कों पर उतर रही है। तीसरा, हम खड़गे जी से उनसे भी ये पूछना चाहते हैं कि जब लंपी रोग आया था तब आप कहाँ थे? सर्वाधिक जनसेवा का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने। दो सवाल है सर, जनाक्रोश जो आपने बताया कि यात्रा एक निकाली थी थोड़े दिनों पहले, शायद गत वर्ष निकाली थी, उस यात्रा के दौरान सुझाव पेटी थी जिसमें जनता के पार्टी के लोगों के सुझाव लिए जा रहे थे, क्या अभी भी ऐसी कोई सुझाव पेटी है या इस तरह के सुझाव लोगों से आ रहे हैं? जो सुझाव आ रहे हैं उसको ले रहे हैं और केंद्रीय नेतृत्व को बता रहे हैं, राज्य ज्ञापन आ रहे हैं तो उन ज्ञापन को ले रहे हैं। ठीक, और शिकायत पेटी का तरीके कोई नहीं, मैं इसका अधिकृत उत्तर दे देता हूँ। आपका प्रश्न बहुत वाजिब है, जन आकांक्षा क्या, इसकी जानकारी राजनीतिक दल को होना चाहिए। तो जन आकांक्षा पेटी का प्रावधान होने वाला है, अभी भी हम वर्बल सुझाव लेकर उनको प्रेषित कर रहे हैं और हमारी संकल्प समिति बनी है, हमारे केंद्र के कानून मंत्री और राजस्थान के अंबेडकर अर्जुन राम जी मेघवाल उसका नेतृत्व कर रहे हैं और एक संकल्प पेटी सुझाव के लिए शीघ्र ही एक कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी लॉन्च करने वाली। भीलवाड़ा के शाहपुरा में जैसा हो रहा है, जैसा हुआ है भीलवाड़ा में जैसा हो रहा है और पार्टी के अंदर भी, आपको लगता है टिकटों को लेके किसी तरह का परिवर्तन का भी आपकी तरफ से सुझाव जाएंगे यहाँ से? देखिए, टिकट का हमारे से कोई संबंध नहीं है, टिकट देने का काम केंद्रीय नेतृत्व का है। हमसे अगर फीडबैक मांगेंगे तो हम तीनों चारों जिम्मेदार लोग अपना फीडबैक देंगे, नहीं मांगेंगे तो भी उनकी अपनी एजेंसियां काम कर रही है। बहुत बड़ा सर्वे यहां पर चल रहा है, जन भावना उन तक पहुंच रही है और इस बार बहुत सोच समझकर जीताऊ टिकाऊ और वैचारिक कार्यकर्ताओं को टिकट दिए जाएंगे। धन्यवाद। यात्रा आगे बढ़ चुकी है, उदयपुर से होते हुए यात्रा कोटा की ओर जा रही है और इस यात्रा के क्या परिणाम होंगे ये भी देखने वाली बात होगी। बहरहाल प्रदेश की जनता इस यात्रा पर और टिकट किसे मिलेगा इस पर नजरें बनाई हुई है। वहीं दामोदर अग्रवाल ने कहा है कि गोगुंदा विधानसभा क्षेत्र से उस व्यक्ति को टिकट दिया जाएगा जो जीताऊ हो, जो टिकाऊ हो और जो वैचारिक व्यक्ति हो। अब ये टिकाऊ, जीताऊ और भाजपा की विचारधारा वाला व्यक्ति कौन है, वैचारिक व्यक्ति कौन है, आप भी सोचिए। जल्दी एक सर्वे आपके पास आएगा, उस सर्वे में भाग लेकर अपनी बात जरूर बताएं। Thank you.